बच्चों, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो तरंग दैर्ध्य का जो परास है वो पिंड के पदार्थ पे निर्भर नहीं करता, बल्कि ये पिंड के ताप पर निर्भर करता है। खैर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में है हम आगे और पढ़ेंगे, फिलहाल हम जो है उत्सर्जन क्षमता के बारे में पढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि जब किसी पिंड को हम गर्म करते हैं तो पिंड से जो है उसमें विकिरण निकलता है। पिंड का अगर आकार बढ़ा है, उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ा है, तो उसमें विकिरण की मात्रा भी उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि जो उसमें विकिरण की मात्रा है वो अनुक्रमानुपाती होगी पृष्ठ के क्षेत्रफल के। तो उसमें विकिरण की मात्रा को अगर हम क्यू ले लें तो क्यू प्रोपोर्शनल टू होगा, क्यू अनुक्रमानुपाती होगा ए के। साथ में हम जितने ज़्यादा समय तक उसको जितना ज़्यादा समय देंगे, जितने ज़्यादा समय तक गर्म करेंगे, उतना ज़्यादा उसमें विकिरण निकलेगा। तो क्यू अनुक्रमानुपाती हो जाएगा समय के, मतलब क्यू प्रोपोर्शनल टू स्मॉल टी। दोनों को हम मिला देंगे तो क्यू प्रोपोर्शनल टी हो जाएगा ए इंटू टी। बराबर करने के लिए एक नियतांक लगाएंगे तो क्यू बराबर स्मॉल ई ए इंटू टी, जहाँ पर ये जो ई है इसी को हम कहते हैं उत्सर्जन क्षमता। ये जो उत्सर्जन क्षमता है ये पदार्थ के जो पृष्ठ है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है, मतलब कि जो सरफेस है वो कौन से मटेरियल पे बना हुआ है उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी उत्सर्जन क्षमता कितनी होगी। यहाँ पर अगर हम ए को एक ले लें, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल को एक ले लें, और टी को अगर हम एक ले लें मतलब समय को भी एक ले लें, तब क्यू बराबर आएगा ई। मतलब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी पिंड की उत्सर्जन क्षमता, किसी पिंड की उत्सर्जन क्षमता प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले उष्मीय विकिरण की मात्रा होती है। मतलब कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड जितनी उष्मीय विकिरण उत्सर्जित होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उस पिंड की उत्सर्जन क्षमता। ये अलग अलग पिंड के लिए, अलग अलग पिंड के पदार्थ के लिए अलग अलग हो सकती है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा देखते हैं। तो ऊपर वाले सूत्र से ई बराबर आ जाएगा क्यू बाई ए इंटू टी। तो ई का मात्रक क्या हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक लेंगे तो क्यू का मात्रक, क्यू जो है ऊर्जा है उसका मात्रक जूल हो जाएगा, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, और टी मतलब समय का मात्रक सेकेंड। तो ई का एसआई मात्रा आ जाएगा जूल बटे मीटर स्क्वायर गुणित सेकेंड। अच्छा, जूल बटे सेकेंड को हम वाट ले सकते हैं, तो यहाँ पर ई का एसआई मात्रा हो जाएगा वाट प्रति मीटर स्क्वायर। उत्सर्जन क्षमता का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा देखते हैं। तो उसका विमीय सूत्र मतलब क्यू का विमीय सूत्र, ऊर्जा का विमीय सूत्र बटे ए का विमीय सूत्र, मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का विमीय सूत्र गुणित टी का विमीय सूत्र। तो ऊर्जा का जो विमीय सूत्र है क्या होता है, एम इस एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू, और ए का विमीय सूत्र एल का स्क्वायर और टी का जो है कैपिटल टी हो जाएगा। तो यहाँ एल स्क्वायर और एल स्क्वायर आपस में कट जाएगा, और जो ई का जो उत्सर्जन क्षमता, उत्सर्जक क्षमता का जो विमीय सूत्र आ जाएगा एम का पावर वन मतलब M, और L का पावर जीरो, L कट जाएगा तो L नहीं रहेगा इसीलिए L का पावर जीरो लिखेंगे, और T का पावर हो जाएगा माइनस थ्री। तो ये विमीय सूत्र का हो जाएगा उत्सर्जन क्षमता का। बच्चों, जब हम पिंड को गर्म करते हैं तो जो उसमें विकिरण निकलता है उसमें अलग अलग तरंग दैर्ध्य के विकिरण होते हैं। कोई पिंड जो है किसी तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन ज़्यादा करता है, कोई पिंड जो है किसी तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन कम करता है। तो जब हम उत्सर्जन क्षमता को तरंग दैर्ध्य से जोड़ कर देखते हैं कि कोई पिंड जो है किसी तरंग दैर्ध्य के किसी रेंज का कितना उत्सर्जन कर रहा है, तो उस प्रकार के उत्सर्जन क्षमता को हम कहते हैं स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। इसको जैसे उसको हम ई से प्रदर्शित किए थे, तो स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता को हम ई लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी
इसकी परिभाषा होगी कि किसी पिंड के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड डी लैम्डा तरंग दैर्ध्य परास में उत्सर्जित उष्मीय विकिरण की मात्रा को उस पिंड की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। मतलब उत्सर्जन क्षमता को अगर हम एक तरंग दैर्ध्य के रेंज में देखें कि इस तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन क्षमता कितना है, तो हो जाएगा स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता या स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। इसका भी जो मात्रक है वही है वाट प्रति मीटर स्क्वायर। ई का भी मात्रक और स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता दोनों का मात्रक सेम है। अब हम देखते हैं उत्सर्जकता एमिसिविटी की एमिसिविटी क्या होती है। तो किसी पिंड की जो उत्सर्जक क्षमता है और किसी ब्लैक बॉडी की उत्सर्जक क्षमता, मतलब दोनों का जब कंपेयर करते हैं, दोनों की जब तुलना करते हैं, तो उसको हम कहते हैं उत्सर्जकता। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किसी पिंड के प्रति एकांक क्षेत्रफल और प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा और उसी ताप में किसी ब्लैक बॉडी के प्रति एकांक क्षेत्रफल और प्रति सेकंड में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा के अनुपात को हम कहते हैं एमिसिविटी या फिर उत्सर्जकता। या दूसरे शब्दों में कहें तो किसी पिंड की जो उत्सर्जन क्षमता है और उसी ताप पर जो ब्लैक बॉडी की उत्सर्जन क्षमता है, किसी ताप पर किसी पिंड की उत्सर्जन क्षमता और उसी ताप पर ब्लैक बॉडी की उत्सर्जन क्षमता, दोनों का जो रेशियो है, दोनों का जो अनुपात है, वो कहलाएगा उस पिंड की उत्सर्जकता। क्या कहलाएगा? उस पिंड की उत्सर्जकता या एमिसिविटी। तो एमिसिविटी एक तरह से हम कंपेयर कर रहे हैं कि ब्लैक बॉडी के मुकाबले इसका एमिसिव पावर कितना है, ठीक है। तो अगर पिंड की उत्सर्जन क्षमता को हम स्मॉल ई से दिखाते हैं और जो ब्लैक बॉडी है कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता को अगर हम कैपिटल ई से दिखाते हैं और पिंड की उत्सर्जन क्षमता को स्मॉल ई से, तब पिंड की उत्सर्जकता को एप्सिलॉन हम मानेंगे और एप्सिलॉन इक्वल टू होगा स्मॉल ई बाई कैपिटल ई। जैसे कि सूत्र से स्पष्ट है इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा, क्योंकि उत्सर्जन क्षमता का मात्रक ऊपर भी होगा, नीचे भी उत्सर्जन क्षमता का मात्रक होगा, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये विमाहीन राशि होगी। और निश्चित रूप से जो स्मॉल ई है, मतलब पिंड की उत्सर्जन जो क्षमता है, वो ब्लैक बॉडी की उत्सर्जक क्षमता से कम होगी। तो यहाँ पर ऑलवेज जो ई है, स्मॉल ई है, स्मॉलर देन होगा कैपिटल ई, मतलब कि छोटा ई जो पिंड की उत्सर्जन क्षमता ब्लैक बॉडी की उत्सर्जन क्षमता से हमेशा छोटी होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि किसी भी पिंड की उत्सर्जकता हमेशा एक से कम होगी, ठीक है। किसी भी पिंड की उत्सर्जन क्षमता एक से कम होगी, उसका मान जो है जीरो से एक के मध्य ही होगा। अब हम जो है किरचॉफ का नियम देखते हैं। सन 1859 में किरचॉफ नामक साइंटिस्ट ने उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता में संबंध दिखाने के लिए एक नियम निकाला, एक नियम दिया, जिसको कि हम किरचॉफ का नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार किसी नियत ताप पर नियत तरंग दैर्ध्य के लिए समस्त पिंडों की उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात एक समान होता है, और यह अनुपात उसी ताप पर उसी तरंग दैर्ध्य के लिए एक आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। मतलब एक नियत ताप और नियत तरंग दैर्ध्य के लिए किसी पिंड का या समस्त पिंडों का जो उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता, उसका अनुपात फिक्स होता है। और वो कितना होता है? वो उसी ताप और उसी तरंग दैर्ध्य के लिए जो एक आदर्श कृष्णिका का जो उत्सर्जन क्षमता होता है, उस फिक्स राशि के बराबर होता है। तो अगर हम ई लैम्डा को किसी पिंड का उत्सर्जन क्षमता माने और ए लैम्डा को अवशोषण क्षमता माने, तो ई लैम्डा बाई ए लैम्डा बराबर होगा कैपिटल ई लैम्डा, जहाँ कैपिटल ई लैम्डा क्या है? उस नियत ताप पर, उस नियत तरंग दैर्ध्य पर, उस नियत ताप तथा तरंग दैर्ध्य पर आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता जो है, उसको हम कैपिटल ई लैम्डा से दर्शाएंगे।
यहाँ किसी नियत ताप के लिए जो आदर्श कृष्णिका है उसकी उत्सर्जन क्षमता जो है फिक्स होती है, नियत होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई लैम्डा जो है कैपिटल ई लैम्डा कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो उस सूत्र को आगे बढ़ाएंगे हम तो ई लैम्डा मतलब स्मॉल ई लैम्डा बराबर कैपिटल ई लैम्डा इंटू ई लैम्डा। तो ये जो कैपिटल ई लैम्डा है वो फिक्स है, नियत है। तो इसको जब हम हटाएंगे तो सूत्र क्या हो जाएगा, स्मॉल ई लैम्डा प्रोपोर्शनल टू ए लैम्डा, मतलब कि उत्सर्जन क्षमता अनुक्रमानुपाती होगा अवशोषण क्षमता के। मतलब जितना ज़्यादा उत्सर्जन होगा उतना, जितना अच्छा अवशोषण होगा उतना अच्छा उत्सर्जन होगा। तो किरचॉफ के नियम का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यहाँ पर निकलता है कि जो अच्छे उत्सर्जक है वो अच्छे अवशोषक भी होते हैं। ये बात महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है कि हमेशा जो अच्छे उत्सर्जक हैं वो कैसे होते हैं, अच्छे अवशोषक भी होते हैं। अब किरचॉफ के नियम के हम कुछ अनुप्रयोग देखते हैं कि किरचॉफ के नियम हमारे आसपास में कैसे प्रयोग होते हैं। अच्छा, एक लाल कांच का टुकड़ा है, अगर हम उसको गर्म करके अंधेरे कमरे में रख दें तो क्या होगा। लाल कांच के टुकड़े को गर्म करके अंधेरे कमरे में रख देंगे तो हरा दिखेगा। यह आश्चर्यजनक आपको लग रहा होगा लेकिन ये सत्य है। अब ये कैसे होता है इसको हम किरचॉफ के नियम से समझते हैं। अच्छा देखिए, कोई भी चीज़ किसी भी रंग का दिखाई क्यों देता है, जैसे लाल रंग का ये कांच है, ये लाल रंग का दिखाई क्यों दे रहा है, क्योंकि इसमें जो श्वेत प्रकाश, जो सात रंग का जो प्रकाश है आपतित हो रहा है, उसमें से सारे के सारे को ये अवशोषित कर रहा है, केवल लाल रंग तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहा है, परावर्तित कर रहा है और बाकी को अवशोषित कर रहा है। इसी तरह से कोई चीज़ अगर हरा दिखाई दे रहा है तो हरा तरंग दैर्ध्य को वो परावर्तित कर रहा है और बाकी को क्या कर रहा है, वो अवशोषित कर रहा है। इसी तरह से हमें सारे रंग दिखाई देते हैं, अगर हमें बैंगनी रंग दिखाई दे रहा है, जैसे ये बैंगनी रंग है, तो इसका मतलब ये बैंगनी रंग को, बैंगनी रंग के तरंग दैर्ध्य को परावर्तित कर रहा है, बाकी श्वेत प्रकाश में से बाकी सभी रंगों के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर रहा है। तो कोई भी रंग दिखाई देने का कारण ये है कि वो पदार्थ, उस रंग, जो रंग वो दिखाई दे रहा है उस रंग के तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, बाकी को अवशोषित कर रहा है। तो यहाँ पर लाल रंग का ये जो कांच का टुकड़ा है ये बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर रहा है और लाल रंग के प्रकाश को, लाल रंग के तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को परावर्तित कर दे रहा है। तो जब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये बाकी लाल रंग छोड़ के बाकी जितने भी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश हैं उसका अच्छा अवशोषक है। तो गर्म करेंगे तो उन सारे विकिरणों को ये अवशोषित करेगा, लाल रंग का अच्छा अवशोषक नहीं है, उसको परावर्तित कर देता है, तो बाकी सबको अवशोषित करेगा। तो जब इसको हम गर्म करने के बाद अंधेरे कमरे में रखेंगे तो जितने भी अलग अलग रंगों के किरणों को, अलग अलग रंग तरंग दैर्ध्य के किरणों को इसने अवशोषित किया है, उसको एमिट करेगा, उत्सर्जित करेगा, क्योंकि हमें किरचॉफ के नियम से पता है कि जो अच्छा अवशोषक है वो अच्छा उत्सर्जक है। जो जितने रंगों को इसने अवशोषित किया था उन सारों को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो लाल रंग को छोड़ के बाकी जितने भी रंग हैं सबका जो कॉम्बिनेशन होता है, सबका जो कॉम्बिनेशन होता है वो हरे रंग के जैसा होता है। तो इसीलिए जो सारे रंग को जब वो उत्सर्जित करेगा तो वो कैसा दिखेगा, हरे रंग के जैसा दिखेगा। तो इस तरह से जब हम लाल रंग के कांच के टुकड़े को गर्म करके अंधेरे कमरे में रखेंगे तो वो हरे रंग का दिखाई देगा। इसी तरह से अगर हम हरे रंग के कांच के टुकड़े को गर्म करेंगे और अंधेरे कमरे में रखेंगे तो वो लाल रंग का दिखाई देगा। अच्छा, हमारे पास दो बॉल हैं, एक चमकीला है, मान लेते हैं उसमें सिल्वर कोटेड है, और दूसरा ब्लैक है, मतलब काला है, उसमें दीप काजल जो है
लगा हुआ है, लैंप का जल उसमें लगा हुआ है। तो अंधेरे कमरे में रखने पर कौन सा ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा? उजाले में तो निश्चित रूप से वो सिल्वर कोटेड वाला ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा, लेकिन अगर अंधेरे कमरे में दोनों को गर्म करके रखेंगे तो जो ब्लैक वाला जो बॉल है जिसमें काजल को, दीप काजल को हमने पेंट कर दिया है, वो ज़्यादा चमकीला प्रतीत होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है काला रंग जो है ऊष्मा का बहुत अच्छा अवशोषक है, तो जो काले रंग का गोला है वो सारे रंगों को जो है, सात रंगों में से सारे रंग को लगभग अवशोषित करेगा, सभी रंग के तरंग दैर्ध्य के विकिरण को अवशोषित करेगा। और जो सिल्वर कोटेड वाला जो बॉल है, ये जो सिल्वर कोटेड वाला बॉल है ये इतना अच्छा अवशोषक नहीं है, क्योंकि ये परावर्तित कर दे रहा है किरणों को। तो ये अच्छा अवशोषक है जो ब्लैक कलर का जो बॉल है। तो अंधेरे कमरे में रखेंगे तो ब्लैक कलर का बॉल सारे किरणों को ये अवशोषित किया था, तो ये सारे कलर को क्या करेगा, ये उत्सर्जित भी करेगा। तो ये अच्छा अवशोषक है तो ज़्यादा उत्सर्जित करेगा, तो ये अंधेरे कमरे में काले कलर का जो बॉल है ये ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा। अच्छा, फ्राउनहोफर लाइंस होते हैं जिसके बारे में आप कक्षा 12वीं में विस्तार से पढ़ेंगे, इसके और भी आगे स्टडी किया जाता है फ्राउनहोफर लाइंस का। सूर्य का अध्ययन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये फ्राउनहोफर लाइंस। तो फ्राउनहोफर लाइंस क्या होता है उसको भी हम किरचॉफ के नियम की सहायता से समझ सकते हैं। तो सूर्य से जो प्रकाश आता है उस प्रकाश को जब हम उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखते हैं तो हमें पता है कि सूर्य के प्रकाश में सात रंग होते हैं, बैजानी, हपिनाला, ये सात रंग हैं। लेकिन हम उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से जब देखते हैं तो ये जो सातों रंग है यहाँ पर आपको कंटिन्यूस दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ गैप पाए जाते हैं, ये कंटिन्यूस नहीं होते हैं, सतत नहीं होते हैं, कुछ रंगों के कुछ हिस्से जो है गायब होते हैं, कुछ रंगों के कुछ हिस्से गायब होते हैं। वहाँ पर एक हल्की सी काली लाइन आपको दिख रही होगी, तो इन लाइंस को हम कहते हैं फ्राउनहोफर लाइंस। ये उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं। तो ये जो काले लाइंस हैं, ये जो फ्राउनहोफर लाइंस है, इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न क्या है, देखिए, ये सूर्य का जो प्रकाश मंडल है इसका टेम्परेचर लाखों डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत हाई टेम्परेचर का होता है। तो यहाँ से जब प्रकाश निकलता है तो सतत स्पेक्ट्रम रहता है, मतलब जो बैजानी हपिनाला का जो मतलब दृश्य प्रकाश को फिलहाल हम देख रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं, लेकिन दृश्य प्रकाश में देखें तो जो बैजानी हपिनाला है या विबग्योर है वो कंटिन्यूस रहते हैं, कोई बीच में काली लाइंस वगैरह या फ्राउनहोफर लाइंस नहीं रहती। लेकिन प्रकाश मंडल से ये जो प्रकाश से आगे बढ़ के जब इसके कोरोना में जाता है, इसका जो वायुमंडल या उसका जो एटमॉस्फियर हम कह सकते हैं सन का, उसमें बहुत सारे तत्व जो हैं जैसे N2, O2 इत्यादि जो हैं वो गैसीय अवस्था में रहते हैं। तो जो लाइट उन तत्वों से होकर गुजरता है तो वे तत्व जो हैं उस सात रंगों में से अपने तरंग दैर्ध्य, जिस तरंग दैर्ध्य को वो ज़्यादा गर्म करने पर उत्सर्जित करते हैं, जिस तरंग दैर्ध्य को ज़्यादा गर्म करने पर उत्सर्जित करते हैं उसी तरंग दैर्ध्य को ये जो तत्व हैं अवशोषित कर लेते हैं, क्योंकि प्रकाश मंडल का ताप ज़्यादा होता है और कोरोना का ताप प्रकाश मंडल की तुलना में अपेक्षाकृत कम रहता है। तो वहाँ पर जो तत्व रहते हैं प्रकाश मंडल से, जो सात रंग के तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश आता है उसमें से वो जो तत्व हैं उन सातों रंगों में से अपने जो उनका जो तरंग दैर्ध्य है जिसको वो हाई टेम्परेचर पे एमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे हैं तो उसको क्या कर लेते हैं, वो अवशोषित कर लेते हैं। और इस तरह से हमें जो है उस स्पेक्ट्रम में जो है इस तरह से काली लाइंस दिखाई देती है। इन काली लाइंस का अध्ययन करके हम ये पता करते हैं कि सूर्य के जो एटमॉस्फियर है उसमें कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। प्यारे बच्चों, अब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं।
या फिर जो कृष्णिका विकिरण है उसमें ऊर्जा का वितरण किस प्रकार से होता है उसको देखते हैं। तो हम जानते हैं कि जो कृष्णिका है या जो ब्लैक बॉडी है वो बहुत अच्छा अवशोषक होता है, और हमें किरचॉफ के नियम से पता है कि जो अच्छा अवशोषक होता है वो उतना ही अच्छा उत्सर्जक होता है। मतलब जब हम ब्लैक बॉडी को या कृष्णिका को गर्म करते हैं, उसका ताप बढ़ाते हैं, तो उसमें से लगभग सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरण जो है उत्सर्जित होते हैं। इस विकिरण को हम कृष्णिका विकिरण या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। यहाँ फिर से एक बात ध्यान रखने योग्य है, जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो ब्लैक बॉडी के पदार्थ पर निर्भर नहीं करता, ये ब्लैक बॉडी के ताप पर निर्भर करता है कि किस ताप पर किस वेवलेंथ का रेडिएशन एमिट होगा। ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकल रहा है उसके तरंग दैर्ध्य को अगर हम एक्स एक्सिस पे ले लें और उससे संबंधित ऊर्जा को वाई एक्सिस में लेकर एक ग्राफ बनाते हैं, इस प्रकार का एक ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस में हम जो ब्लैक बॉडी से रेडिएशन निकल रहा है उसको हम ले लेते हैं लैम्डा एक्स एक्सिस, और जो एनर्जी है उसको हम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं, और ग्राफ बना के हम उसका अध्ययन कर सकते हैं कि जो एमिट हो रहा है रेडिएशन वो उसमें से क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे इसको हम देखेंगे, और इसमें जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये जो वक्र दिख रहा है, इसको हम वितरण वक्र कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। तो इनकी क्या विशेषताएँ होती हैं इसको देखते हैं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं या इससे जो निष्कर्ष निकलता है, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक ताप पर कृष्णिका से उत्सर्जित जो ऊष्मीय विकिरण का जो स्पेक्ट्रम है वो सतत है। मतलब ये जो लाइंस हैं ये कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रही हैं। मतलब जो ब्लैक बॉडी से किसी भी ताप पर जो रेडिएशन निकलता है वो कंटिन्यूअस निकलता है हर तरंग दैर्ध्य के लिए, किसी भी तरंग दैर्ध्य के लिए ऐसा ब्रेक नहीं होता। कैसा नहीं कि नीले कलर में ऐसा कोई गैप आ जाए, है ना, या फिर हरे कलर का कुछ हिस्सा छूट जाए, ऐसा नहीं। हर तरंग दैर्ध्य के लिए स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है। सभी तरंग दैर्ध्यों के मध्य जो है ऊर्जा का वितरण एक समान नहीं होता। मतलब अलग अलग तरंग दैर्ध्य के संगत ऊर्जा का मान जो है अलग अलग होता है। ताप बढ़ाने पर प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के संगत ऊर्जा का मान बढ़ते जाता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इनक्रीज करते हैं तो हर तरंग दैर्ध्य के संगत जो ऊर्जा है वो बढ़ते जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ आप देखिए कि तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ाने पर ऊर्जा का मान जो है बढ़ते जा रहा है। तरंग दैर्ध्य का मान जब हम बढ़ाते हैं एक्स एक्सिस में तो एनर्जी का मान जो है बढ़ते जा रहा है। एनर्जी का मान एक जगह हाईएस्ट हो रहा है, एक खास तरंग दैर्ध्य के लिए एनर्जी का मान हाईएस्ट होगा। उस खास तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा एम से प्रदर्शित करेंगे, लैम्डा एम मतलब कि लैम्डा मैक्सिमम। उस लैम्डा के लिए, उस तरंग दैर्ध्य के लिए एनर्जी हाईएस्ट होगा। उसके बाद भी अगर हम तरंग दैर्ध्य को बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ने के बजाय कम होते जा रही है। तो इस तरह से एक बन रहा है, एक पर्वत जैसे, मतलब एक ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। तो एक खास तरंग दैर्ध्य के लिए एनर्जी का मान हाईएस्ट होगा और उसके बाद फिर नीचे आएगा। तो ये इसकी खासियत है। अच्छा, जैसे जैसे कृष्णिका के ताप को बढ़ाते हैं, जैसे इस प्रयोग को हम अलग अलग ताप के लिए किए हैं, इस ग्राफ को जो है हम अलग अलग ताप के लिए बनाए हैं, तो जैसे जैसे कृष्णिका के ताप को हम बढ़ाते हैं तो क्या देखते हैं कि जो लैम्डा एम का जो वैल्यू है वो कम होते जा रहा है। जो अधिकतम एनर्जी के संगत जो तरंग दैर्ध्य है, अधिकतम एनर्जी के संगत जो तरंग दैर्ध्य है उसका मान कम होते जा रहा है, वो वाई एक्सिस की ओर खिसक रहा है। आप देख पा रहे होंगे जो काले वाली की चोटी है थोड़ा सा इधर है, उधर है, फिर जो नीले वाले की थोड़ा सा खिसकी है वाई एक्सिस की तरफ, और जो एकदम ब्लू है ना, ये थोड़ा सा नीचे का आसमानी है,
और ऊपर का ब्लू है वो और वाई एक्सिस की तरफ खिसकी है, हरे वाले की जो चोटी है और वाई एक्सिस की तरफ खिसकी है, लाल की खिसकी है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, जैसे सबसे ऊपर का जो टेम्परेचर है वो 5500 केल्विन है, फिर ये हरे वाले का 5000 केल्विन, ये नीले वाले का ब्लू का 4500, ये जो आसमानी कलर का है 4000 केल्विन, और ये जो सबसे नीचे में काले रंग का जो वितरण वक्र है उसका है 3500 केल्विन। तो तापमान को बढ़ा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है लैम्डा एम का, जिसके संगत एनर्जी मैक्सिमम मिलती है, उसका मान जो है वाई एक्सिस की तरफ खिसकते जा रहा है। तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि लैम्डा एम गणितीय रूप में अगर हम कहें तो लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू 1/T, मतलब कि लैम्डा एम जो है टी के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यही जो है वीन का विस्थापन नियम है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसमें एक नेक्स्ट जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि प्रत्येक ताप पर प्रत्येक वक्र और वाई अक्ष से घिरा जो क्षेत्रफल है, जो वक्र है और जो वाई अक्ष मतलब जो लैम्डा अक्ष है उससे घिरा जो क्षेत्रफल है, वो उस ताप पर ब्लैक बॉडी ने जो रेडिएशन जो एनर्जी एमिट किया उस संपूर्ण ऊर्जा को बताता है। वो जो वक्र है और वो जो एक्स एक्सिस के बीच का और वो जो वक्र के बीच का दोनों के बीच का जो एरिया है, ये जो एरिया है वो एरिया क्या बताएगा, उस टेम्परेचर पे उस ब्लैक बॉडी ने जितना टोटल एनर्जी एमिट किया, जितना ऊर्जा उसने उत्सर्जित किया, कुल ऊर्जा को बताता है वो जो क्षेत्रफल है। तो देखिए जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ते जाएगा, मतलब कुल उत्सर्जित ऊर्जा भी बढ़ते जा रही है। देखिए जो काले रंग का जो वक्र है सबसे नीचे 3500 केल्विन पे, उसका और जो लैम्डा वाला जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, उसका क्षेत्रफल निश्चित रूप से जो ऊपर जो आसमानी रंग का जो है 4000 केल्विन वाला जो वितरण वक्र है उसके क्षेत्रफल से कम होगा, लाल वाले का सबसे ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे जो एरिया है मतलब कर्व और जो एक्स एक्सिस के बीच का एरिया है बढ़ते जाता है, मतलब कि जो टोटल रेडिएशन, जो टोटल जो एनर्जी है जो एमिट कर रहा है ब्लैक बॉडी, उसका वैल्यू भी टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ते जाता है। ये निष्कर्ष हमें इस ग्राफ से निकलता है, और ये जो निष्कर्ष है ये इसको गणितीय रूप में अगर हम देखें तो हम यूँ कह सकते हैं कि ई लैम्डा मतलब हम जो टोटल जो एनर्जी एमिट हो रहा है उसको हम ई लैम्डा से दिखाएं, टोटल जो ऊर्जा जो उत्सर्जित हो रहा है वो ई लैम्डा से दिखाएं, तो ई लैम्डा प्रोपोर्शनल टू होगा परम ताप के चतुर्थ घात के, ई लैम्डा प्रोपोर्शनल टी का पावर 4। और ये जो गणितीय रूप है ये क्या है, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम है, स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से ये 6 निष्कर्ष निकलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ग्राफ से।